तो नाउक अबाउट अनफेमिलियर रूटीन्स हम पहले रूटीन्स की बात कर रहे थे अब हम ये बताएंगे कि अगर अनफेमिलियर रूटीन्स होंगी तो इसका क्या नुकसान हो सकता है चिल्ड्रन विद डबिलिटीज दर्थिस्टिक स्पेक्ट्रम परगल टू ग्रेस्प सोशल इंटरक्शन स्किल्स एंड कैन बी मेड वेरी एंशियस बाई चेंजेस इन रूटीन्स देखिये जो हमारे डिसेबल uh, स्पैशल बच्चे हैं उनको अगर कहीं भी छोटी छोटी छोटी, छोटी बातों में कोई ऐसी इरेगुलरिटी आ जाती है तो उनके लिए आम लोगों से ज़्यादा परेशानी का बायस होती है क्योंकि वो अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के आदि हो चुके हैं अब अगर अच, अचानक उनको नए लोगों के सामने पेश किया जाएगा नई जगह दिखाई जाएगी नए तरीके से ट्रीट किया जाएगा नए इक्विपमेंट दिए जाएंगे तो यकीन उनके लिए मुश्किल साबित होगा सो ऐसी सूरत में हम आहिस्ता आहिस्ता उनको अवेयरनेस देने के बाद फेमिलइज कराने के बाद उन चेंजेस को कर सकते हैं सो चिल्ड्रन विद ऑर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बी डिस्ट्रेस्ड बाई चेंजेस इन रूटीन दैट सीम्स माइनर टू अडर्स एन देर पी एस नॉर्मली ऐसा होता है कि चूंकि हम हर रोज एक नई सिचुएशन में होते हैं एक नए इन्वायरमेंट में होते हैं नए लोगों से मिलते हैं और नई नई जगहों पर जाते हैं लेकिन वो बच्चे जो ऑर्टिस्टिक हैं या किसी भी डिसबिलिटी का शिकार हैं देखिए हम तो उनको समझते हैं ना वालदान के तौर पर समझते हैं या एजुकेटर के तौर पर समझते हैं या अगर हम उनके डॉक्टर हैं तो हमें पता होगा इनका क्या मसला है आम लोगों को तो पता नहीं है तो अगर हम उनको आम लोगों में लेके जाएंगे हो सकता है वो और तरह से उनके साथ बिहेव करें और तरह से उनके साथ बात करें तो वहाँ पर हो सकता है वो डिस्ट्रेस का शिकार हो जाए और वो सारी नई सूरत हाल को एक्सेप्ट ही ना कर पाएं तो बहुत बेहतर है ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको नई सिचुएशन में या नए लोगों से ना मिलाएं या और जगह ना लेके जाएं बल्कि ये है कि उनको पहले से मेंटली तैयार किया जाएगा कि भई अब हम एक कैसी जगह पे जा रहे हैं जिस तरह के लोग होंगे ऐसी एक्टिविटीज़ uh, हो सकती हैं ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है या हम आपको एक नया आला लगा रहे हैं या आपके साथ कुछ भी नया कर रहे हैं तो पहले एक ओरिएंटेशन सेशन होगा जिसमें बच्चे को ख़ास तौर पे सारी बातें बताई जाएंगी आम तौर पे जिंदगी में जो छोटी मोटी चेंजेस हैं उनको उनके वालदेन या पियर्स तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेते उनके ख्याल में तो उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती लेकिन दर हकीकत वो बच्चे चूंकि आस्था लर्न करते हैं ना दूसरों के मुकाबले में तो एडजस्टमेंट भी उनके लिए उतनी ही मुश्किल है तो कोशिश करेंगे उनको एडजस्टमेंट का मुनासिब वक्त दें सो फीमेल्स अंडरटेक ऑल पर्सनल केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स दीज फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज फ्राम कल्चर ट्रेडिशन एंड हैबिट्स तो इसी सिलसिले में जो हम बात कर रहे थे कि अगर कुछ केयर टेकर बच्चे के साथ हैं जिनमें उनकी वालदा है या उनकी बहन है या एजुकेटर्स में से कोई फीमेल लोग हैं और वो बच्चे की केयर कर रहे हैं तो अचानक आप किसी केयर टेकर को बदलेंगे या नए लोग आएंगे या उसकी स्टीडियोटिपिकल थाट जैसे हमने सोचा ना कि लोगों की बच्चों की यह थॉट होती है कि मदर या मदर लाइक -like, कोई पर्सन जो है वो उनकी केयर करेगा और वो उनके साथ होगा तो अचानक कोई असर्टिव करेक्टर जो है वो आ जाता है मंजर पे तो फिर वो इससे परेशान होंगे कुछ कल्चर्स के अंदर हम देख लेते हैं ना ऐसी बातें बन गई हैं यही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इफ़ यू टॉक अबाउट मेल्स देन देर आर टू इक्वली इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इक्वालिटी प्रैक्टिस क्या हैं जी एज अ मेल वन हैज टू लुक एंड अंडरस्टैंड द दोर्सेज मेल प्रैक्टिशनर्स शुड फुलफिल ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब्स एसेट्रा मतलब ये बच्चों के जहन में भी ये बात बैठ गई है कि केयरटेकर कौन होगा और रिसोर्स के लिए कौन काम कर रहा होगा किसकी क्या मेरे साथ रिलेशनशिप है किसकी मेरे साथ क्या हैसियत है और ये कि जो मेल लोग हैं वो किस तरह से मेरे साथ पेश आएंगे सो हम ये कह रहे हैं कि हमारे वो बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं या डिसेबल हैं या किसी भी लिहाज से स्पेशल हैं उनके लिए अगर आप तब्दीली कोई ऐसी कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो उसको पहले उनके साथ शेयर करें उनको बताएं कि आने वाले दिनों में आपके साथ या आने वाले वक्त में हम क्या करने वाले हैं ताकि वो कुछ ना कुछ जहनी तौर पर तैयार हो जाए और उस चेंज को ड्रास्टिक ना ले लें अपने ऊपर मसला घर से स्कूल जाना ही बच्चे के लिए पहले दफ़ा एक बहुत बड़ी चेंज है तो बच्चे को रोज़ उसकी एक मेंटल थेरेपी कर दी जाएगी कि वो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ बड़े हेल्पफुल हेल्पफुल लोग हैं जहाँ आप दूसरों की तरह किताब पढ़ेंगे आप लिखेंगे आपके लिए टॉयज होंगे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी उसके दिल में जब शौक़ पैदा हो जब वो सोचने लग जाए जब उसका एक माइंड मैप बन जाए तब आपने उसको वहाँ पे लेके जाना है और फिर भी उसके साथ उस वक्त तक रहें जब तक कि वो उस चेंज का आदि ना हो जाए या वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब ना कर लें